नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए ये पार्टी स्पीकर है। काफ़ी दमदार और काफ़ी पावरफुल बेस है इसकी, और काफ़ी अफोर्डेबल है। और ये पीट्रोन का फ्यूजन बीट्स पार्टी स्पीकर है, 40 वॉट का है ये। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसने JBL वगैरह की कॉपी करी है वैसे तो, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये देखने में, और लुक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं मतलब। और इसके हम फीचर्स वगैरह की बात करें तो ये हमें 40 वोल्ट का आउटपुट देता है। उसके बाद इसमें एक USB कनेक्टर भी है, और करोका की इसमें माइक भी दिया गया है हमको। काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी, जो हमें दिया गया है इसमें माइक वगैरह का। और इसमें 4 डबल स्पीकर हैं इसमें। इसमें हमें RGB लाइट भी देखने को मिलती है, और ये डुबल फंक्शन है, मतलब कि हम इसे एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास दूसरा स्पीकर भी है तो हम उसके साथ इसे कनेक्ट करके भी इसे बजा सकते हैं। उसके बाद इसमें स्टूडियो का साउंड भी दिया गया है, FM वगैरह भी है इसमें, और इसमें वॉल्यूम कंट्रोल तो होता ही है वैसे, और TF कार्ड भी है इसमें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हमें ये केबल मिलता है माइक का देखने के लिए, ये हमें माइक किससे कनेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें ये माइक मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा बस। उसके बाद हमें ये कार्ड मिलता है, वारंटी कार्ड वगैरह जो भी हमें रजिस्टर वगैरह करनी है। और इसमें हम इसकी जो बीट्स वगैरह गाइड वगैरह भी देख सकते हैं इस पे स्कैनर करके, ये वाला गारंटी है हमें रजिस्टर करनी है। उसके बाद हमें ये AUX केबल भी मिलता है, और उसके बाद हमें ये पावर के लिए Type-C का मिलता है इसमें, ये काफ़ी अच्छा है ये भी। उसके बाद हम माइक की बात करें तो माइक की लुक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको टेस्टिंग करके सब कुछ दिखाऊंगा। इसमें हम माइक कनेक्ट कर लेते हैं, माइक आपको मैं लगा करके दिखा देता हूँ। ये माइक इसमें हमने लगा दिया है, और इधर ये ऑन ऑफ का बटन दिया गया है माइक में। उसके बाद हम अब स्पीकर पे आ जाते हैं। स्पीकर की लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लुक दिए गया, देखिए आप लुक वगैरह। ऊपर की साइड ये पीट्रॉन की ब्रांडिंग दी गई है, इधर ये माइक का पोर्ट दिया गया है, ये ऑन ऑफ बटन है, ये AUX केबल का है, इधर ये मेमोरी का TF कार्ड लगता है, इधर ये USB का है, पेन ड्राइव वगैरह जो भी लगानी है, इधर ये DC है 5 वोल्ट की इसमें, जो कि हमें ये वाली वायर कनेक्ट करनी है ये केबल। उसके बाद ये हमें वॉल्यूम अप डाउन का दिया गया है, ये वॉल्यूम डाउन का है, ये अप का है, और बीच वाला ये स्किप करने का है। और जी ये हमें मोड वगैरह बदलने हैं, जैसे कि हमें AUX में करना है, या फिर मेमोरी में, USB में, या फिर FM वगैरह भी इससे हम बजा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, और ये हैंडल भी दिया गया है पकड़ने के लिए। और हम सामने की बात करें तो ये इधर RGB लाइट है ये, और इधर ये स्पीकर दिए गए हैं, ग्रिल है इसकी, ये प्लास्टिक की ग्रिल है। और ओवरऑल इसकी हम बात करें तो ये ब्लैक कार्बन प्लास्टिक है इसकी, हार्ड है, काफ़ी अच्छा है वैसे। अब मैं इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से कहूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, तो मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ से ऑन होगा, देखिए लुक्स वगैरह आप देख करके बिल्कुल एकदम फैन हो जाएंगे इसके।
देखिए मैं आपको एक बार माइक भी लगा करके दिखा देता हूँ। हेलो हेलो। तो गाइस देखिए इसमें काफ़ी अच्छी आवाज़ है माइक की भी, आप इसमें इजीली भजन कीर्तन वगैरह कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी है। देखिए भजन कीर्तन के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इसे मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा पहली बार में कनेक्ट करने के लिए, उसके बाद ये इजीली कनेक्ट हो जाता है अपने आप। ये कनेक्ट हो चुका है गाइस। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपको मैं इसकी म्यूजिक वगैरह तो टेस्टिंग करा ही दी है, और अगर आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खरीद सकते हैं। मैंने तो ये अमेज़न से ख़रीदा था, आपको मैं इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे बाय कर लेना। और मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये 1499 रुपये का मिला है मुझे। इसकी लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगती हैं मुझे, किटी पार्टीज़ के वगैरह के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी लुक्स हैं इसकी, तो आप इसे बाय कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू।